दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि आप कमेंट करो और मैं एक क्यों नहीं वीडियो लेकर आऊँगा। और दोस्तों आपको पहले बता दें कि जो वीडियो दोबारा से रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी Q&A के ऊपर उसमें मेरा माइक ख़राब हो गया था। तो दोस्तों माइक तो गया, फिर उसके साथ वीडियो भी चली गई, और वीडियो के साथ साथ यहाँ पर मैंने Q&A की वीडियो करी और आपके लिए मैंने 2-3 वीडियो और करी जिसमें सारी ऑडियो बेकार हो गई। और जिनकी ऑडियो थोड़ी बहुत ठीक ठाक थी उतनी ऑडियो मैंने मतलब उस वीडियो को एडिट करके आपके लिए दे दिया, पर Q&A वाली वीडियो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि अब मेरे को दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो मैंने कमेंट है उनको मैंने उठाया, और आपको मैं बता देता हूँ कि जो मैंने कमेंट उठाया और जो उस वीडियो में से कमेंट उठाए ना Q&A वाले जो जिसमें मैंने अनाउंस करा था कि Q&A करेंगे, तो अब मैं उसमें से गिव अवे करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि गिव अवे भी होने वाला है जिसमें से मैं ऑटो कमेंट पिकर में से कमेंट पिक करूँगा, और यहाँ पर जो भी कमेंट आएगा उसको ₹50 का अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड मैं देने वाला हूँ। तो फिर किसी तरीके वीडियो करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर अभी आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी। बात करते हैं पहले कमेंट की, तो पहला कमेंट है हमारा अल्ट्रा लूटर भाई का है, जो कि एडिटेड कमेंट है, और यहाँ पर उन्होंने बोला है, ब्रो विच ऐप डू यू अर्न मोर, पेटीएम कैश, गूगल गिफ्ट कार्ड, फ्लिपकार्ट वाउचर एंड अमेजोन गिफ्ट कार्ड, टेल अस प्लीज ब्रो, Q&A, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, लव फ्रॉम गोवा, और एक प्यारा सा हार्ट। और तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है, बेसिकली यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ जहाँ से मैं पेटीएम कैश, गूगल गिफ्ट कार्ड और फ्लिपकार्ट वाउचर या फिर अमेजोन वाउचर लेता हूँ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछने मतलब क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा है कि इनको लगता है कि मेरे पास कोई स्पेशल एप्लीकेशन है जिससे कि मैं अर्निंग करता हूँ, पर ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जो स्पेशल मैंने अपने पास रखा हुआ है और अभी तक बताया नहीं है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ और जिनसे भी मेरे को अर्निंग होती है मैं उन्हीं के ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो जितनी भी मेरे चैनल पर वीडियो है उन सारी वीडियो को देख लीजिए, उन सारी वीडियो के अंदर जो भी एप्लीकेशन मैंने बताए हुए हैं विद प्रूफ, तो उन एप्लीकेशन को मैं यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दूसरे कमेंट की, तो दूसरा कमेंट यहाँ पे है जीवा बीजू का, जिन्होंने पूछा है कि YouTube से कितनी अर्निंग होती है, कितनी कमाई होती है, मतलब YouTube से कितनी कमाई होती है। तो कमाई दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा कम होती है, ये वो मेरा फ़ोन नहीं, दूसरे का फ़ोन है, मेरे दोस्त का फ़ोन है, हाँ ये तो उंगली कर रहा बीच में, किसी का फ़ोन है। कमाई भाई देखो, अगर YouTube पे जो आता है ना अपनी मतलब मन पसंद वीडियो बनाने का, जो भी उसको बनना होता है या फिर जो भी उसको वीडियो बनाने में इंटरेस्ट होता है उसके लिए आता है। अगर आप ये माइंडसेट लेकर आए हो कि हम पैसे कमाने हैं, वीडियो बनाकर पैसे कमाएंगे या फिर मार्केटिंग करेंगे, तो ऐसे में आपके पीछे या तो फिर बहुत मतलब कि बहुत सारा प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही आए हो पैसे कमाने तो पैसे बिल्कुल आप कमा ही नहीं पाते। अगर आपका पैसा नहीं वीडियो बनाना या फिर आपको अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल आइए वीडियो बनाइए, पर आप अर्निंग को सोच कर आए तो अर्निंग इसमें होती नहीं है। बेसिकली मैं बताऊं सच में अर्निंग नहीं होती है यूट्यूब से, इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है, अर्निंग होती है बहुत ज़्यादा बेसिक होती है, छोटे थोड़ा बहुत यहाँ पर पर्सनल खर्चा वर्चा चल जाता है, वो भी बहुत कम, तो इतनी अर्निंग होती है आप समझ जाइएगा। बात करते हैं यहाँ पर अजय नायक ने हमसे पूछा है, ब्रो एकदम बेस्ट फ्लिपकार्ट वाउचर ऐप लाओ, सेल्फ अर्निंग ऐप। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर उसी का सेम आंसर है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी वीडियो 500 से ज़्यादा वीडियो डली हुई है, मतलब 500 से ज़्यादा एप्लीकेशन है जिनसे आप अर्निंग कर सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से, और मैं वही एप्लीकेशन लेकर आता हूँ जहाँ से मैं अर्निंग कर पाता हूँ। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको लगता है कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपके पेटीएम में पैसे आ जाएं या फिर आपके ईमेल आईडी पे गिफ्ट कार्ड वाउचर आ जाएं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आपको मैंने एप्लीकेशन बताया है और एप्लीकेशन के अंदर जो जो मैंने स्टेप्स यहाँ पर बताएं कि ऐसे ऐसे करना है, इसके अंदर सेल्फ अर्निंग है, इसके अंदर ये, तो आपको वो सब फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब एप्लीकेशन के अंदर आप एंटर करते हो या फिर एप्लीकेशन के ओपन मतलब डाउनलोड करते हो उसके अंदर आपको यहाँ पर अर्निंग करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट कमेंट है प्रिंस राज का, तो प्रिंस राज भाई ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है, अमेजोन गिफ्ट कार्ड अर्निंग ऐप। तो भाई यहाँ पर आपके लिए भी सेम आंसर है कि आप जाइए चैनल पर 500 से ज़्यादा वीडियो जाके देखिए, मेरे पास कोई भी अदर स्पेशल एप्लीकेशन नहीं है जहाँ से मैं एकदम छुप के अर्निंग करता हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, जो आपको बताता हूँ वही एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट जो है वो है गेमिंग जोकर ने पूछा, Q&A कहाँ से हो, एज एंड अब तक कितनी अर्निंग की, कितनी अर्निंग से ही कितने रुपए इर्नी किए, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन, लव फ्रॉम छत्तीसगढ़, और छोटा सा हर्ट। और यहाँ पर इनके लिए आंसर ये है कि मैं हूँ उत्तर प्रदेश नोएडा से, और एज इज द बुज़ुर्ग हो गए हैं, बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं,
और अर्निंग से रिलेटेड तो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई यहाँ पर अगर बात अर्निंग की आती है तो ज़्यादा कुछ अर्निंग होती नहीं है यूट्यूब से। बाकी अगर आपका शौक है तो आपको जितना मज़ा मिलने वाला है, जैसे कि मेरे को शौक है वीडियो बनाने का, और जैसे ही आप सब हमें मतलब मुझे प्यार देते हैं वीडियो पर, जितना भी प्यार देते हैं मुझे अच्छा लगता है, और वो सब अच्छा लगता है, उसके आगे पैसों की कोई वैल्यू है नहीं। पर जब भी पैसे मिलते हैं तो पर उतने ज़्यादा नहीं मिलते, मैं आपको पहले बता देता हूँ, उतने ज़्यादा नहीं मिलते। अगर बनना है तो भुवन बाम या फिर कैरी मिनाटी जैसा बनो जिनके पास अर्निंग के मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है, पर हम जैसे यूट्यूबर जो एवरेज लेवल पर हैं उनकी ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है। बहुत ज़्यादा सीरियस मतलब सच बता रहा हूँ, क्योंकि एक दो साल पहले मैं भी एक नॉर्मल यूज़र था जो कि बस यूट्यूबर्स को देखता था और देख के सोचता था कि काश मैं भी वीडियो बनाऊं। पर अब मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ। और आपके लिए जो भी चीज़ बताता हूँ बिल्कुल रियल बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो करा है किसी से मतलब पैसे दे के सब्सक्राइबर नहीं बढ़वाए, ना ही किसी से सब्सक्राइबर बोल बोल के बढ़वाए, जितने भी हुए हैं आप सब ने करे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से करें सब्सक्राइब, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कितनी अर्निंग होती है, कितनी नहीं होती, क्या है, कैसा है। भाई नेक्स्ट कमेंट है जो कि आपके सारा समाधान पूरा कर देगा, क्लिक इफ़ यू वांट गिफ्ट का अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड, मतलब ये चैनल का नाम है, इस पर क्लिक करते ही आपको अमेज़ॉन गिफ्ट कार्ड मिल जाएंगे। हाँ दोस्तों पता नहीं, पर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जो कि बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है, जो कि है फ्लो गार्ड प्लस ऐप क्या सीन है। मतलब फ्लो गार्ड ऐप का भाई सीन क्या बताऊँ, ये तो चूते बना रहे हैं। सीधी सिंपल बात है कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का सेटअप बड़ा अच्छा है, उसकी मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर रखी है, यूट्यूब पर भी अगर कोई इससे रिलेटेड इसके मतलब फ्लो गार्ड के रजिस्टर्ड चैनल पर देखोगे ना, ऑफिशियल चैनल पर, तो वीडियो भी अच्छी खासी मिलती है। अगर और आप में से बहुत ज़्यादा आप में से बहुत सारे लोगों ने रिडीम भी लगाया होगा, और रिडीम लगाने के बाद आपके पास इस कुछ इस तरीके के SMS भी रिसीव होंगे, और इसमें नंबर भी है। तो इन्होंने एक मतलब अलग से एक टीम भी बैठा रखी है जो कि इनके कस्टमर केयर वाली टीम है, और जो कि आपसे बात करते हैं, पर वो कस्टमर केयर वाले भी मेरे को ऐसा लगता है कि बस घुमाते हैं, क्योंकि यहाँ तक अभी पता नहीं कौन सा सर्वर है, या तो पता नहीं कोई अमेज़ॉन का, गूगल का, पता नहीं कौन सा सर्वर है जो आज तक इनका अपडेट ही हो रहा है। 2-3 महीने हो गए अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ है, और अपडेट के चक्कर में बस ये बोलते जा रहे हैं अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे, 1-15 दिन का वेट करिए, पहले तो ये करिए वो करिए। यहाँ पे 15-15 दिन कर गए, यहाँ पे 3 बार हो गया है, यहाँ पे 1-15 दिन हो गए पर अभी तक कोई पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। पर क्या है, हमारा जेब से तो कुछ जा नहीं रहा ना, हमारी जेब से तो कुछ जा नहीं रहा, जब भी आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मार्केट में और भी एप्लीकेशन है जिनको हम यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं। पर हाँ, जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है अभी तक, अगर आप अभी फ्लो गार्ड एप्लीकेशन के अंदर गेम खेलते हो या फिर काम करते हो, उसके अंदर करना बंद कर दीजिए, जब तक आपके रिसेंटली पिछले वाले जो रिडीम है आपको अभी तक मतलब यहाँ पर रिसीव नहीं हुए, तो आप काम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद हमारे एक भाई ने जो कि GGB Hertz, इन्होंने इतने सारे कमेंट करे, मतलब 9 कमेंट करे, इतनी ज़्यादा मेहनत करी, और सारे भाई ने हाई हेलो से शुरू करा है, और यहाँ पर पहले पूछा है हाई हेलो करा है, फिर उसके बाद पूछा है भाई एकदम इजी ऐप लाओ ना, उसके बाद पूछा है भाई रुकन भाई गिव अवे करो ना। भाई गिव अवे इस वीडियो में है, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि Q&A और नेक्स्ट कमेंट है Q&A, आपको अर्निंग ऐप का आइडिया कैसे आया, और आप YT चैनल कैसे स्टार्ट किया। तो YT चैनल स्टार्ट करना बड़ा आसान है, एप्लीकेशन में जाइए, और वैसे भी स्टार्ट करना YouTube पे जाइए, हाउ टू स्टार्ट योर चैनल तो सब बता देंगे, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अर्निंग आइडिया कैसा आया, तो अब भाई आइडिया कुछ नहीं, बस आइडिया क्या है, पहले मैं और मेरा दोस्त मिलकर वाइंस बनाते थे, प्रैंक्स भी बनाते हैं, अभी भी बनाते हैं हमारे चैनल पर, अभी मैं बताऊंगा नहीं आपको, बताऊंगा आगे बताऊंगा उस चैनल का नाम जिस पे हम प्रैंक्स बनाते हैं, कार वाले प्रैंक्स बनाते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर, और जो अर्निंग का है वो मेरे को इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो हम जब वाइंस बनाते थे तो मैं और मेरा दोस्त, एक और दोस्त रहता था जिसका नाम भी विपिन ही है, और उसके बाद यहाँ पर और भी हमारे सारे टीम मेम्बर थे, तो सब में बताओ बड़ा कलेश होता था, तो इसी वजह से वो टीम ज़्यादा चली नहीं और ज़्यादा चैनल चला नहीं, और मेरे को तो करना ही था, तो मैंने अब अकेले स्टार्ट कर, तो अकेले में वाइंस वगैरह नहीं बना पाता था, तो इसलिए मैंने ये वाला चूज़ करा कि मैं आराम से एक जगह बैठ के आपको एक अर्निंग की नॉलेज दे सकूं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा है Q&A, आपको YT से कितनी इनकम होती है, तो YT से भाई बहुत कम इनकम होती है, बस एक 20 रुपये वाली प्लेट मिल जाए वही बिरयानी की, बस इतनी हो जाती है। और Q&A, विपिन भाई आप किधर रहते हो, तो भाई नोएडा उत्तर प्रदेश। और Q&A, आप कितने ईयर से थे
जब आपको YT अर्निंग ऐप से अर्निंग का आइडिया आया तो भाई कितनी ईयर्स के थे? तो भाई अगर आप वैसे अगर ये ईयर्स वाली बात पूछ रहे हो तो मतलब कि आप एक छोटे हो, मतलब कि आपको ये स्टूडेंट्स हो 10-12 या 16 या 17 साल के, तो मेरे को भी 16-17 साल में आइडिया आया पर अर्निंग वाला नहीं, वैसे वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे को एक्टिंग और वीडियो बनाने का शौक था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है भाई आप अकेले रहते हैं? तो भाई बिल्कुल भी नहीं अकेला रहता यार, मैं रहता हूँ अपने परिवार के साथ। बस ये है कि मैं एक कोने में अकेला रहता हूँ जहाँ पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और यहाँ पर सबसे आखिरी जो कमेंट है वो है विच कार आर यू यूजिंग ब्रो? कार मैं यूज़ करता हूँ बुग्गी। मैं कार यूज़ करता हूँ फोर्ड की, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनको मैंने रिप्लाई भी दे चुका हूँ, का फोर्ड की फोर्ड फिगो यूज़ करता हूँ मैं। बस यही कुछ कमेंट्स थे और बात करते हैं अब कि गिव अवे के विनर कौन होने वाला है। तो जैसे कि अब यहाँ पर सीधे चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे गिव अवे के विनर, जल्दी से हमें मेल आईडी पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो करिए और मैसेज करिए और अपना 50 रुपये का अमेजोन गिफ्ट कार्ड ले जाइए। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।